सब लोग बैठ गए हैं, मेरा आवाज नहीं आता इसलिए मैं थोड़ा जोर से बोल रही हूँ। और अभी हम लोग बोमडिला से निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं तवांग। और ये सब जन बैठ गए, अभी बहुत ठंडी है और सब साक्ष टोपी ये सब पहन के बैठ गए। और हमको सुबह सुबह आज पूरी मिली नाश्ते में, नमकीन पूरी, नमकीन पूरी। सचिन बैठा है और बाकी ये सब हमारी पलटन और वो सुशी मोशी तो मैं दिख नहीं रही, इसने टोपरा लगाया है, टोपा लगाया है तो दिख ही, समझ में नहीं आ रहा। हाँ देख ली। हेलो। और जीजा जीजा बैठे हैं तो चलो चलते हैं। और अभी तवांग आ गया, ये तवांग सिटी है। तो तवांग सिटी में अभी हम लोग एंट्री मार रहे हैं। और यहाँ कैसे है, हर जगह पे ये इस टाइप के ऐसे पताका लगाए जैसे रहती है। और जब भी एंट्री मारते हैं ना तो ये जो कमान दिख रही है ना, इस टाइप की हर सिटी में, हर गांव में ऐसी कमान दिखती है। और वो कमान के अंदर से, तो उधर सब बुद्धिस्ट लोग हैं तो मोनेस्ट्री भी बहुत है, तो इसीलिए ये पताका लगाए रहते हैं। और अलग ही उनके ऐसे स्क्वायर स्क्वायर टाइप के घर रहते हैं। तो ये है अभी तवांग। और अभी हम लोग आ गए हैं तवांग। ये देखो ये मोनेस्ट्री है। ठंडी लगने वाली है क्या ऊपर? ठंडी लगने वाली है, ऐसा ही हो रहा है लेकिन हाँ बहुत सुंदर है। तो ये है मोनेस्ट्री, अभी मैं थोड़ा नजदीक से दिखाती। ये देखो इस टाइप का है। अभी ये तिब्बत के बॉर्डर के पास जा रहे हैं ना, तो ये इस टाइप के बहुत दिखेंगे। यहाँ सब बौद्ध धर्मीय लोग बहुत है, बुद्धिस्ट जो है ना वो बहुत है। चलो चलते चलते दिखाती आप लोगों को। और देखो इधर के साइड में ये पहाड़, और ये उधर देखो बादल। तो ये कुछ इस साइड, ये देखो ऐसे बहुत हमने लद्दाख में वगैरह देखे हैं, लेकिन ये भी बहुत सुंदर लग रही है। और मोनेस्ट्री में बहुत ही सुंदर सुंदर, देखो ये देखो इतना सुंदर वर्क करके, ये नहीं पेंटिंग नहीं है, ऐसे बनाया है, सीमेंट से बनाया है शायद, या पीओपी से बनाया होगा, बहुत सुंदर है। और मोनेस्ट्री एकदम कलरफुल है। और ऊपर ही जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, आ ही नहीं रही, हम लोगों ने अभी फोटो बहुत निकाल लिए। और देखो इस साइड से पंडोरा भी है, नहीं यहाँ बेल है, और बड़ा सा पंडोरा और बहुत सारे फ्लावर्स है वहाँ पे, सुंदर फ्लावर है, बहुत सुंदर फ्लावर, वेदर बहुत अच्छा है। और ये देखो खूब सारे, फिर से मोनेस्ट्री में जब भी आओ तो ये तो दिखता ही है। ये इससे अपनी विश पूरी होती है। आप लोगों के क्या क्या विश है बोल दीजिए, आपकी विश भी मैं बोल देती हूँ। मेरे व्यूवर्स, सभी व्यूवर्स को भगवान अच्छे से रखे। और ये इस तरह से, और बड़ा सा बेल है यहाँ पे, ये देखो। हाँ कितनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर है ना, ऐसे पहले जाऊन पाऊनी हूँ, पहले जाके आते बाद में फोटो सेशन करते और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये देखो और इतने सारे फ्लावर्स है और सभी लोग ना फोटो के इसमें ही पड़े हैं, जो देखो तो फोटो निकल रहा है। लेकिन देखो ना पहाड़ी और पूरी हरियाली चाहिए इन्हें, ऐसे ऐसे लग, कहाँ देखो कहाँ नहीं, ऐसे हो रहा है मुझे। मोनेस्ट्री बहुत सुंदर थी लेकिन वहाँ अंदर ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने शांति शांति से पूरा अंदर का वीडियो ले ली और आप लोगों को दिखा रही हूँ। वैसे तो वहाँ यानी वीडियो ज़्यादा लोग नहीं ले रहे थे, फ़ोटो ही निकाल रहे थे, लेकिन मुझे आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैंने वहाँ का वीडियो ली। और बात तो ज़्यादा कर ही नहीं सकती थी, शांति शांति से वीडियो ली, लेकिन मोनेस्ट्री यानी इतनी बड़ी थी और इतनी सुंदर थी। मोनेस्ट्री तो बहुत सारी देखी लेकिन ये
सबसे नंबर एक की मोनेस्ट्री मुझे लगी, आज तक की जितनी भी मैंने मोनेस्ट्री दिखी थी ये सबसे बेस्ट मुझे लगी। और मोनेस्ट्री देखने के बाद हम लोग निकले फिर बुमला पास के लिए, तो वहाँ से और रास्ते का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर था, और आप लोग भी मेरे साथ देख रहे हो, तो चलो अपन चलते हैं अभी बुमला पास। और बीच बीच में रास्ते में ऐसे बहुत सारे झरने दिख रहे थे ऐसे पहाड़ी से, यानी थोड़ी थोड़ी दूर के बाद ऐसे जो कहाँ से तो भी अपना झरना दिख रहा है, और वो यानी ऐसे वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा आपको, लेकिन ऐसे रियल में तो बहुत ही सुंदर था। और बीच बीच में छोटे छोटे गांव भी आ रहे थे, गांव छोटे थे लेकिन घर बहुत खूबसूरत थे, और उनके घर के सामने ना ऐसे सुंदर सुंदर फ्लावर्स जैसे गमले रखे थे, तो देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और फ्लावर अलग ही थे, ये जो फ्लावर अपने इस तरफ दिखते ही नहीं, वो पहाड़ी फ्लावर बहुत सुंदर और कलरफुल पहाड़ थे। और रास्ते में थोड़ी दूर के बाद इतना कोहरा छाया हुआ था और पूरे बादल जैसे पहाड़ पे आके बैठ गए थे, यानी नीचे ही दिख रहे थे, जैसे अपन फ्लाइट में बैठने के बाद कैसे दिखता है सेम उसी टाइप का दिख रहा था, ऐसे पूरे बादल पहाड़ पे आके रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, एक नंबर लग रहा था। और फिर हम लोग बुमला पास देखने के बाद यहाँ पे आ गए, फिर से तवांग आ गए, और यहाँ का ये है हमारा होटल का रूम, और रूम बहुत ही अच्छा था, यानी सबसे बेस्ट रूम अगर बोले तो ये था, बाकी के भी अच्छे थे लेकिन ये सबसे ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। और यानी ऐसी बड़ी रूम थी, और तो बाकी टॉयलेट वगैरह बहुत सुंदर था वहाँ का, और ठंडी तो पूछो ही मत, लेकिन हीटर था वहाँ का, हीटर ना ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा था तो ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी। और बाथरूम देख लो, ये अपना टॉयलेट था, और साफ़ सुथरा क्लीन था, नया ही कंस्ट्रक्शन था, और रहने में बहुत मज़ा आया। तो मैं सोची चलो अनटाइडी होने के पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये मैं इस रूम में रही थी, और वो छोटा व्हाइट वाला दिख रहा ना वो हीटर था। तो हम लोगों ने बहुत मज़े किए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? और हम लोग अभी निकल रहे हैं तिब्बत के बॉर्डर पे, सब लोग तैयार हो गए हैं सुबह सुबह नहा धो के, और बहुत ठंडी है लेकिन ठीक है, गर्म पानी था तो अच्छा, नहा धो के हम लोग निकले। और देखो कुछ नज़ारा इस तरफ का है, कोई गर्म पानी नहीं, थोड़ा ठंडा ही पानी था, इसको ठंडा पानी, मेरे को भी थोड़ा ठंडा ही पानी मिला, लेकिन कोई बात नहीं, बस पहले पहले मिला था गर्म पानी और उसके बाद ठंडा ही हो गया था पूरा, ठंडी भी बहुत है ना इसीलिए। और अभी ये देखो ऊपर से पता नहीं क्या पड़ा मेरे सर पे, और आज जाने वाली है ये इस टाइम, ये कार लेकर मैडम जा रही है। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे? हेलो, आज सबके साथ मिलके हम देखने जाएंगे, कौन सा पास है वो पता नहीं मुझे, कौन सा तो पास है वो देखने जा रहे हैं हम लोग। पास है लेकिन दूर है, अभी गाड़ी से जाना पड़ेगा। सुबह से जा रहे हैं सब लोग मिलके, खेलने के लिए जा रहे हैं, बर्फ में खेलने के लिए जा रहे हैं, बर्फ में खेलने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ बहुत मस्ती करेंगे, वैसे ठंडी है सब जन। और सब मिलके बहुत मस्ती करेंगे और बर्फ खेलेंगे, और आप सब भी आ जाना यहाँ पे। हाँ, अभी हम जाके देखते हैं प्लेस कैसी है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। और ये है हमारा होटल, रूम का तो वीडियो मैंने ले ली हूँ, रूम का टूर दिखा दी हूँ, और ये है कुछ इस तरह, बहुत अच्छा है और रूम्स भी बहुत अच्छी है। सब लोग बाहर निकले अभी, तो अभी हम लोग आ गए वॉर मेमोरियल जगह पे, बुमला पास जाते वक्त ये जगह यानी लगती है रास्ते में। तो यहाँ पे 1962 में इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था
वहाँ पे बहुत से इंडियन आर्मी को वीरगति प्राप्त हो गई थी। हमारे 2000 जवान वहाँ मारे गए थे और वहाँ पे मेजर जोगेंद्र सिंह करके वहाँ पे थे, जिन्होंने 15-20 गोली अपने ऊपर यानी उनके ऊपर गोली चलाई थी, फिर भी वो वहाँ पे लड़ते रहे और आखिर में उन्हें चीन ने बंदी बना लिया और इंडिया के भी जो जवान थे वो भी बहुत सारे मारे गए और चीन के 300 जवान थे वो भी मारे गए। फिर भी अपने जवानों ने डटकर वहाँ पे मुकाबला किया और फिर उन्होंने वहाँ पे जीत प्राप्त हुई और जो जोगेंद्र सिंह थे वहाँ पे उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिल गया। और उसके बाद जसवंत सिंह थे, उन्हें भी यहाँ 4 राइफल बटालियन के थे, उन्होंने भी अपने जवानों के साथ मुकाबला किया और आखिर में अकेले ही लड़ते रहे और उसके बाद भी उनको वहाँ पे उन्हें भी यानी उनको परमवीर चक्र तो नहीं, उनको कौन सा चक्र मिला था, महावीर चक्र प्राप्त हुआ था। तो ये सब याददाश्त थे और ये सुन के यानी एकदम आँख में आंसू आ रहे थे और बहुत ही अलग ही लग रहा था कि अपन इतने सुख से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं और अपने जवान वहाँ पे इतने लड़े। ये सब लिस्ट उन जवानों की थी, बहुत सारे थे, सबके नाम लिखे थे और कौन कहाँ किस कहाँ से थे वो सब नाम वहाँ पे लिखे थे और वहाँ उन्होंने ये इंडिया का पूरा ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि कैसे आए, कैसे उन्होंने अपने पे वार किया और कैसे लड़ाई हुई, ये सब वहाँ पे अपने को बता रहे थे। तो हम लोग भी सुन रहे थे, कुछ आवाज़ आ रहा था कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया था। तो इस तरह से हम लोग ने ये सब देखा और फिर वहाँ से निकले और फिर हम लोग आगे और उनके बहुत सारी जगह थे, छोटे 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 सब दिखा रहे थे और शाम को पिक्चर भी दिखाई हमको, तो हमने पिक्चर भी देख लिया था। और रास्ते में इतने सारे याक दिख रहे थे, यानी बहुत ही जैसे उधर गेंडे दिख रहे थे वैसे ये बुमला पास जाते वक्त हमको बहुत सारे याक दिखे, जैसे अपनी गैया वगैरह यहाँ पे रहती है ना भैंसे वगैरह, उस टाइप के उधर याक दिख रहे थे, खूब सारे याक दिखे हमको। और ये रास्ता बहुत ही अच्छा था, पूरी पहाड़ी थी और कुछ 1700 या 1600 ऐसे कुछ ये था, मैं भूल गई, लेकिन ऊंचाई बहुत थी और जिनको सांस की तकलीफ है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी, तो हमारे साथ एक दो जन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले लिया था सचिन ने। और वहाँ इतने ऊंचाई पे पहाड़ी पे लेक भी थे, छोटे छोटे लेक थे और उस पर पूरी आइस की परत जमी हुई थी और दिखने में तो ये सही एकदम एक नंबर दिख रहा था। और वो लेक, छोटे छोटे लेक के बाद फिर ऐसे थोड़े पथरीले पहाड़ दिखने गए और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इतना सारा आइस दिख रहा था हमको, बिल्कुल हमारे बाजू में हमारी गाड़ी जा रही थी और उसके आजू बाजू में पूरा आइस था और धूप काले में ऐसे लग ही नहीं रहा था, अरे अपन तो ठंडी के मौसम में आए के यहाँ, इस टाइप का लग रहा था और ठंडी भी बहुत लग रही थी। वैसे हमने स्वेटर वगैरह पहन के रखा था इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं आई। हमको सचिन ने पहले ही बताया था कि सब लोग स्वेटर शॉल ग्लव्स वगैरह सब अपने टोपी वोपी सब साथ में ले लो क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडी रहती है। और हो गया था, अभी पूरा आइस का एरिया चालू हो गया था और ऐसे लग रहा था कि बीच में उतर के थोड़ी मस्ती करो और आइस के साथ खेलो, लेकिन हम लोग रास्ते में तो कुछ ज़्यादा खेले नहीं, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो मस्ती की हमने बहुत धूम की और अच्छा लग रहा था, बहुत सही लग रहा था। तो आप भी जाइए वहाँ पे और आप भी उस मौसम का एंजॉय लीजिए और धुपकाले में ही जाना क्योंकि अरे वैसे वहाँ की टूर तो मोस्टली अप्रैल मई में ही चालू हो जाते हैं, तो ज़रूर से इसी महीने में जाना, ना तो ज़्यादा ठंडी और ना तो ज़्यादा धूप, यानी एकदम बहुत ही सही वेदर था।
तो ये था मेरा आपके लिए बुमला पास का लॉग। आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको सब्सक्राइब करना है। तो मिलती हूँ अगले एक नए लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।